जय नारायण बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने अ से अनार और आ से आम लिखना सीखा था। आज मैं आपको छोटी से इमली और बड़े ई से ईख लिखना सिखाऊंगी। चलिए बच्चों, हम लोग स्वर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। अ आ इ ई उ ओ दी ए ऐ ओ औ अं अह। तो स्वर को हम लोग इसी तरीके से घर में पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। पिछली क्लास में आप लोग छोटा से अनार और बड़ा से आम लिखना सीखा है। आज मैं आपको छोटी से इमली और बड़ी से ईख लिखना सिखाऊंगी। तो इमली हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए पहले हम लोग स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन के बाद कर्व बनाएंगे। कर्व का मुंह किधर खुला रहेगा, राइट हैंड की तरफ। फिर हम लोग इसे उल्टे साइड में कर्व बनाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ अब बनाएंगे। फिर उसमें गोल छोटा सा सर्कल बनाएंगे और नीचे पूंछ बना देंगे। तो हमारा क्या हो, से इमली। अब हम लोग लिखेंगे बड़ी ई से ईख। तो बड़ी ई को हम लोग खींच कर बोलते हैं। पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। कर्व का मुंह किधर खोलना है, राइट हैंड की तरफ। अब हम लोग किधर करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ। यहीं से ज्वाइन करेंगे, इधर जाएंगे और पूंछ नीचे ऐसे बना देंगे। अब क्या हो गया हमारा, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। अब इमली का उपयोग, उपयोग हम लोग किस किस चीज में इमली का करते हैं बच्चों। इमली का स्वाद खट्टा होता है, इससे खट्टी मीठी चटनी बनती है, धनिये के साथ नमकीन चटनी भी बनती है और इसे सब्जी में भी डाला जाता है। ईख, ईख कहाँ उपजता है बच्चों, ईख जो है खेत में उपजता है, इससे चीनी बनता है, चीनी मिठाई में डाला जाता है, गुड़ भी बनता है, गुड़ के रस से जलेबी भी बनाते हैं बहुत लोग, और इससे चीनी जो बनती है उससे हलवा में भी डाला जाता है और खीर में भी उपयोग किया जाता है। तो आज आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे ई और ई, ई से इमली और ई से ईख लिखने का। धन्यवाद बच्चों।